नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्रैकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके पास लेकर आया हूँ 17 मार्च से 24 मार्च तक के जनरल नॉलेज विद पिक्चर्स हिंदी में। और हम ये इसमें करीब मैंने 100 क्वेश्चंस कवर करे हैं जो इस हफ्ते के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो बगैर देरी करे आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आइए देखते हैं क्या हुआ इस हफ्ते में। तो शुरू करते हैं। 2017 एग्रीकल्चर साइंस फेयर यानी कि कृषि उन्नति मेला कहाँ पे आयोजित किया गया, पहला सवाल। और ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में, और इसको IARI के कैंपस में आयोजित किया गया 15 मार्च से 17 मार्च तक। और ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने मिलकर आयोजित किया। और जो इस मेले का पर्पस था वो था बेसिकली जो भी एग्रीकल्चर रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुए हैं कृषि क्षेत्र में, उनको किसानों तक पहुंचाना। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे जो भी कृषि में अब तक के 1972 से अब तक के जो भी उन्नति करी गई है कृषि क्षेत्र में उसके बारे में दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा बैंक है जिसने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया है? तो देखते हैं, ये बेसिकली हम फोटो से देख सकते हैं कि HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। और ये बेसिकली लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS फैसिलिटी जो है, ये बेसिकली लोन देने की फैसिलिटी है 3 मिनट के अंदर। और इसमें 10.5% का इंटरेस्ट रेट रखा गया है। और ये बेसिकली सिक्योरिटीज जैसे म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसीज इसके अगेंस्ट ले सकती हैं। और इसमें मिनिमम 1 लाख का लोन और मैक्सिमम 20 लाख रुपए का लोन लिया जा सकता है। तो ये HDFC बैंक द्वारा चालू किया गया है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS फैसिलिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। CREDAI इसके साथ हाउसिंग फॉर ऑल एक MOU साइन किया है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है। और CREDAI की मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, इसका फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। और इस MOU का जो मेन मकसद है वो बेसिकली सबको घर मुहैया कराना है। और इसमें SBI CREDAI के साथ मिलकर काम करेगा, सेमिनार्स करेगा, एग्जीबिशन करेगा, जो भी CSR एक्टिविटीज़ हैं इन सब में हिस्सा लेगा। और CREDAI बेसिकली भारत का सबसे बड़ा रियल एस्टेट एसोसिएशन है और इसमें करीब 11,500 मेंबर है। तो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किताब स्लीप वॉकर्स ड्रीम अ नॉवल ये किसने लिखी है? तो ये स्लीप वॉकर्स ड्रीम अ नॉवल ये लिखी है ध्रुव ज्योति बरुआ ने। और इस किताब के बारे में बता दूं, ये एक मिलिटेंट ग्रुप के बारे में है किताब बेसिकली, जो कि भटक रहा है और इनके पास अपना एक इनका एक लीडर है जो कि बेहोश पड़ा है। तो ये उनकी बेसिकली सर्वाइवल की जर्नी है। तो स्लीप वॉकर्स ड्रीम अ नॉवल ध्रुव ज्योति रॉय ने लिखी है, एक बरुआ सॉरी रॉय कह रहा हूँ मैं, बरुआ ने लिखी है, ध्रुव ज्योति बरुआ सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ दोस्तों। इंडिया की रैंक नंबर ऑफ MPs इन पार्लियामेंट एज पर UN वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप के हिसाब से क्या रही है? तो बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि इंडिया में जो वुमेन इन पॉलिटिक्स है, वो वुमेन MP जो पार्लियामेंट में है, वो उनकी जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड मैप के हिसाब से है। तो दोस्तों ये करीब 148 है और ये काफी खराब रैंकिंग है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये सिर्फ 193 कंट्रीज में ये सर्वे किया गया था और इसमें हमें सिर्फ 148वीं रैंक मिली है, यानी हम और देशों से अभी काफी पीछे हैं। जबकि साउथ अफ्रीकन देश रवांडा ने इसमें टॉप किया है, तो ये सबसे ऊपर रहा है रवांडा नामक देश। और इसके बाद बोलिविया आया है, क्यूबा आया, आइसलैंड, निकारागुआ, स्वीडन आया है। तो बेसिकली ये जो मैप है वुमेन एंड पॉलिटिक्स मैप जो है, ये ना सिर्फ कंट्री की रैंकिंग देता है बल्कि स्टैटिस्टिक्स भी देता है वुमेन इन पॉलिटिक्स जो कि लीडरशिप पोजीशंस में है, जैसे हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, वुमेन स्पीकर और इस तरीके के जो मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो है उनके बारे में। तो ये भारत की जो रैंकिंग रही है वो 148 रही है इसमें।
India's largest personality, which Indian personality has become vice president? तो vice president पूछा गया है local organizing committee का FIFA under 17 world cup जो होने वाला है अक्टूबर में होगा ये, और इसके जो local organizing committee है इनके जो vice president है इनका नाम हमसे पूछा जा रहा है। तो ये बाबुल सुप्रियो साहब है और ये एक मशहूर गायक भी है और बीजेपी के एमपी भी है, तो इनको चुन लिया गया है। और अभी ये फिलहाल हेवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर है। 2017 की G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग किस देश में स्टार्ट हुई? तो आप देख सकते हैं ये जर्मनी में स्टार्ट हुई है और ये बादेन बादेन नामक एक शहर है जर्मनी में, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत करी गई जर्मनी में। और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है और इसमें जो मेजर चैलेंजेस हैं ग्लोबल इकोनॉमी को लेके इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स के बीच में, उनके बारे में ये डिस्कशन किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस में। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस बुद्धिस्ट इन 21st सेंचुरी, ये किस स्टेट में चालू शुरू हुई? तो ये अभी हाल ही में हुई है और 3 दिन की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी और इसका पूरा था नाम था बुद्धिस्ट इन 21st सेंचुरी Perspective and response to global issues. तो ये नव नालंदा महावीर राजगीर में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई बिहार में, और ये 2017 मार्च 17 2017 को शुरू हुई। और इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न देशों से करीब 35 देशों से अलग अलग स्कॉलर्स वगैरह आए हैं और बेसिकली जो ये सोच विचार करेंगे ये ग्लोबल चैलेंजेस और क्राइसिस पे इनका सोच विचार होना है। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है पीस बिल्डिंग है, जो भी बुद्धिस्ट रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंगली एनवायरमेंट नेचुरल कंजर्वेशन और बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव एक्सेट्रा वगैरह पे ये डिस्कशन करेंगे इसमें। तो ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने मर्जर के बारे में बोला है? स्टेट रन टेलीकॉम BSNL और MTNL का। तो BSNL और MTNL का मर्जर हो सकता है और ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी बताया गया है। तो आप ये फोटो से देख सकते हैं, ये हमारे उत्तराखंड के भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड के एक समय पर। और इन्होंने ये कहा, इनकी कमेटी ने ये कहा कि BSNL और MTNL का मर्जर हो जाना चाहिए ताकि वो मिलकर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकें और जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे एयरटेल वोडाफोन एक्सेट्रा इन लोगों से इन लोगों को कड़ी टक्कर दे सकें। तो ये भगत सिंह कोश्यारी कमेटी है। कौन सी बैडमिंटन प्लेयर है जिनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मेंबर बनाया गया है? और ये आप देख सकते हैं ये एक मॉडलिंग भी करती हैं और इनका नाम है ज्वाला गट्टा, ये एक बैडमिंटन प्लेयर है बेसिकली, और इनको अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का वो बना दिया गया है, मेंबर बना दिया गया है। और ये 2011 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में और 2010 में इन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ चैंपियन भी रह चुके हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था 2014 ग्लासगो गेम्स वुमेन डबल्स में। 15वीं ऑल इंडिया मीट ऑफ स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये एक लीगल वो होती है कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पे हुई? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुई, आप देख सकते हैं JS खेर साहब को इसमें बुलाया गया था और इन्होंने इसमें इनॉग्रेशन किया। और ये बेसिकली प्रवासी भारतीय केंद्र में शुरू हुई नई दिल्ली में 18 मार्च को और ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है और इसको नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ने दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज के साथ मिलकर आयोजित किया है। कौन सा इंस्टीट्यूट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2017 में? सो ये हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की जो 2017 की रैंकिंग है उसमें कौन सा यूनिवर्सिटी सबसे ऊपर आई है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दे रखी है और ये नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है और पहले 10 में भारतीय कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि अब सिंगापुर की 2 है, चाइना की 2 है, हांगकांग से 2 है, साउथ कोरिया की 3 है और जापान की 1 है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो टॉप पे। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के बारे में बता दूं, इसकी वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 24 पे है और भारत से IIT बॉम्बे थी रही है 42वें स्थान पर
और जबकि IISc जो अभी हाल ही में काफी न्यूज में भी रही है बेंगलोर, ये इसको 27वां स्थान मिला है। और कुल मिलाकर चाइना से 54 इंस्टीट्यूट और भारत से 33 इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में आए। ये करीब 300 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली जाती है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा। कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटी है जिन्होंने 2017 का रेगनरॉन साइंस टैलेंट सर्च अवार्ड जीता? तो ये हैं इंद्राणी दास जी, और इन्होंने, ये एक इंडो अमेरिकन पर्सनालिटी है, और इन्होंने एक रिसर्च करी थी ब्रेन इंजरीज और डिजीजेस पे, इनको ट्रीटमेंट का, इनकी ट्रीटमेंट का। और ये रेगनरॉन बेसिकली एक मेडिकल कंपनी है जो ये सोसाइटी ऑफ साइंस और पब्लिक से इनका कोलाबरेशन है, तो इसलिए इनका इस अवार्ड का नाम दो रेगनरॉन साइंस टैलेंट सर्च अवार्ड कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हरियाणा साहित्य संगम ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो फोटो से आप देख सकते हैं कि ये पंचकुला में आयोजित किया जा रहा है, और ये 17, 18, 19 3 दिन की मेला है। तो इसमें हिंदू, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और अन्य भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों और साहित्यकारों का सबसे बड़ा सम्मेलन कहा जाता है। इसमें करीब 2000 लोग हिस्सा लेंगे, और जो इसका मकसद है इस फेस्टिवल का, वो बेसिकली जो भी लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, कॉमन प्लेटफॉर्म देने का है। तो एक मंच पे आके वो सब अपने विषय में, अपनी भाषाओं के बारे में बता सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को कितना लोन देने की बात कही है? तो ये 175 मिलियन डॉलर का लोन वर्ल्ड बैंक ने देने की बात कही है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को, और इस पैसे का इस्तेमाल जो बेसिकली फोरकास्ट है फ्लड और ड्राउट्स, मतलब बाढ़ और सूखे के लिए का फोरकास्ट करने के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और बेसिकली ये रियल टाइम ग्राउंड इंफॉर्मेशन देगा, तो जो देश में बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको पहले से ही ये बताने की कोशिश करेगा। उस प्रोजेक्ट के लिए इनको 175 मिलियन डॉलर का लोन दिया गया है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट को। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट SSA ये किस देश से साइन किया गया है डिटैच वर्कर्स के लिए? तो ये ब्राजील से साइन किया है इंडिया ने। और इसके बारे में बता दूं कि ये बेसिकली जो अग्रीमेंट है ये दोनों कंट्रीज में जो भी वर्कर्स हैं, डिटैच वर्कर्स हैं, इनको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्प्ट करने के लिए दिया गया है। तो बेसिकली अगर जो भी ये मजदूर हैं इनको अगर ये किसी भी देश में सोशल सिक्योरिटी देते हैं तो फिर ये दूसरे देश में इनको देने की जरूरत नहीं है, कुछ इस तरीके का इसमें करार किया गया है। और भारत ने इस तरीके के करार करीब 18 देशों से करे हुए हैं, तो ये अभी लेटेस्ट किया है इन्होंने ब्राजील के साथ। वर्ल्ड बैंक ने ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए वेस्ट बंगाल को कितना पैसा देने की बात कही है? तो ये इससे पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, और इसके करीब 100 ऑफिस हैं पूरी दुनिया में, और इसको 1 जुलाई 1944 में ब्रेंटन वुड कॉन्फ्रेंस के द्वारा करा गया था, 44 गवर्नमेंट आई थी इसमें। और ये न्यू हैम्पशायर USA में बनाया गया था, IMF का गठन भी इसी दौरान किया गया था इसी कॉन्फ्रेंस में। और इसके करीब 188 देश मेंबर हैं, और इसके 7,000 एम्प्लॉय वॉशिंगटन DC में काम करते हैं, और 3,000 एम्प्लॉय पूरी दुनिया में मौजूद हैं। और इन्होंने ग्राम पंचायतों को 210 मिलियन डॉलर का लोन देने की बात कही है। तो बेसिकली ग्राम पंचायत आप सभी जानते हैं कि रूरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे नीचे की रैंकिंग पे आती है, और ये बेसिकली ये जो लोन है इसका इस्तेमाल जो लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है प्लानिंग, बजटिंग और फाइनेंस एंगेजमेंट में, जो भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स रूरल एरियाज में लागू करे जाएंगे, तो इनके लिए ये लोन दिया गया है वेस्ट बंगाल सरकार को। इंडिका डीप नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो ये किताब और आई है, और इसको प्रणय लाल ने लिखा है। और ये बेसिकली किताब जो है ये इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है इसके फॉर्मेशन के बारे में, यानी कि जो गोंडवाना लैंड से ये अलग हुआ था उस सब के बारे में रिसर्च करके लिखी हुई किताब है, जो भी लैंड मास है इंडिया का।
इसमें करीब इन्होंने 20 साल की रिसर्च वर्क करी है, तो ये हो सकता है ये थोड़ी इंटरेस्टिंग किताब हो समझने के लिए कि भारत के सब कॉन्टिनेंट का गठन कैसे हुआ, तो ये पढ़ी जा सकती है ज्योग्राफी के हिसाब से। SRCC ग्लोबल मिलेनियम समिट 2017 का ये कहाँ पे हुई, तो ये हम देख सकते हैं फोटो से, इसका वेन्यू था दुबई और ये 18 और 19 मार्च को आयोजित करी गई। और इसके जो चीफ गेस्ट है वो श्री विजय गोयल साहब थे, जो यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर भी हैं, और जो इसकी थीम थी वो फ्यूचर ऑफ दिस मिलेनियम रखी गई। और इसको आयोजन उन्होंने IIM अहमदाबाद और IIT खड़गपुर के छात्रों के साथ मिलकर किया, और ये बेसिकली एक समिट थी जिसमें दुनिया के सभी छात्रों को एक प्लेटफॉर्म दिया गया डिस्कस एक्ट और इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये इसमें जो देश दुनिया के दिग्गज थे गवर्नेंस बिजनेस टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड, उन सबको बुलाया गया और इसमें डिस्कशंस वर्कशॉप कंपटीशन एक्सेट्रा वगैरह हुए। उत्तराखंड के नए चीफ मिनिस्टर का नाम पूछा जा रहा है, सिंपल नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, सभी जानते हैं। और ये उत्तराखंड के 8वें चीफ मिनिस्टर बने हैं और बीजेपी के नेता हैं, और इस बार बीजेपी ने इलेक्शन में 57 सीट जीती 70 में से, और ये एक भारी जीत बताई जा रही है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार बन गई है। 123 तेजस एयरक्राफ्ट ये 21 साल तक आ जाएंगे, तो ये 2024-25 तक आ जाएंगे। तेजस एयरक्राफ्ट के बारे में बता दूं, ये इंडिया का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाता है, और बेसिकली इसको जो तेजस की स्क्वाडन है इसको 45 फ्लाइंग डैगर्स कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी, तो खैर ये याद रखिएगा दोस्तों, 123 तेजस एयरक्राफ्ट 2024-25 तक इंडियन एयरफोर्स में आ जाएंगे। चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बहुत बड़ा खजाना खोजा है, और ये किस हिस्से में चाइना के मिला इन्हें, तो ये सिचुआन प्रोविंस में मिला है, और इसमें इन्होंने करीब 10,000 सोने और चांदी के सामान को ढूंढ निकाला है। बेसिकली ये एक नदी के तल में पड़ा था 300 साल से, तो नदी का नाम है मेजोंग रिवर, और ये इनको मिजियांग रिवर है ये, और ये इसका एक ब्रांच है जिजियांग रिवर, इन दोनों के कॉन्फ्लुएंस में मिला है। और ये जो जगह है ये बेसिकली 50 किलोमीटर है चेंडू जगह से, जो कि सिचुआन प्रोविंस में है। कर्माइकल कोल प्रोजेक्ट नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन स्टेट क्वींसलैंड, ये किसी एक भारतीय जायंट के साथ करार करना चाह रहा है, तो ये जो जायंट है ये बेसिकली अडानी ग्रुप है, और ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप अब इस पे अपना डिसीजन ले लेगा। तो करीब 5 साल से अडानी ग्रुप पे काफी प्रेशर था, जो ग्रीन एनवायरनमेंट वो थे ग्रीन रेवोल्यूशन वाले लोग, उनका ये कहना था कि भाई ये करार होने से जो एक काफी बड़ा सी पोर्ट बनाना पड़ेगा ग्रेट बैरियर रीफ में ऑस्ट्रेलिया की, जिससे जो एनवायरनमेंट है ग्रेट बैरियर रीफ में उस पर काफी असर पड़ेगा, क्योंकि काफी कोयला का खनन होगा और वो सब भारत को एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के हिसाब से थोड़ा सा गलत हो रहा था। टेलीकॉम जायंट मेगा मर्जर ये पूछा जा रहा है हमसे, तो ये हम सभी जानते हैं वोडा और आइडिया का मर्जर हो गया है, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा मर्जर है, और इसके बाद ये कंपनी मिलके काफी बड़ी कंपनी हो जाएंगी। तो इसमें करीब 45.1% जो होगा वो वोडाफोन के पास रहेगा, और 4.9% जो प्रोमोटर्स हैं आइडिया उनके पास रहेगा, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। कौन सी चिड़िया है जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ गई है, तो ये वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे ये जो चिड़िया है ये हमारी कॉमन स्पैरो है, ये इसको स्टेट बर्ड ऑफ दिल्ली भी कहा गया था 2012 में, और ये बेसिकली इसका कारण ये रहा है कि जो ये कॉमन स्पैरो है इसके रहने की जगह पे सब वो बना दिए गए हैं। तो
ये जो कॉमन स्पैरो है इसके रहने के सभी स्थानों पे घर बन गए हैं, तो अब इसके पास रहने के लिए जगह नहीं बची है और ये एक्सटिंक्शन के कगार पे है। हुआ इज वन द फिफ्थ इंडियन वेल्स टाइटल, तो ये रॉजर फेडरर साहब ने जीता और इन्होंने स्टैन वावरिंका को हराया इस पर्टिकुलर खेल में, टेनिस में। कौन सी स्काई ब्रिजेस मंकीज के लिए, ये कहाँ पे बनाए जा रहे हैं? तो ये स्काई ब्रिजेस जो है मंकीज के लिए, ये बेसिकली चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है वहाँ पे बनाया जा रहा है इनको। बेसिकली ये जो मंकीज हैं ये एक पेस्ट के तरीके से इन्हें माना जाता है, क्योंकि इनका काफ़ी बड़ा संख्या में ये है और इनको कोशिश करी जा रही है कि इनका लोगों से कम इंटरेक्शन हो। तो ये एक स्काई ब्रिज आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया जा रहा है, और ये इन्होंने ग्रिजल जायंट स्क्विरल जो कि एक तरह की गिलहरी होती है उसको देखते हुए उसके लिए पहले बनाया था और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो इन्होंने अब ये बंदरों के लिए भी, लंगूरों के लिए बना रहे हैं, ये मद्रास ग्रे लंगूर कहा जाता है इसको, तो उसके लिए बना रहे हैं। तमिलनाडु अवार्ड वो किस दिन दिए गए थे? सीधा सवाल है, 19 मार्च को दिए गए, और इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई है किसानों को इस अवार्ड के साथ, तो ये एक इस अवार्ड का साथ का एक वो भी है। कौन सा इंडियन रेसर है जिसका अभी कार क्रैश में निधन हो गया बीवी के साथ? तो ये अश्विन सुंदर जी है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया एक कार क्रैश में, और ये BMW की गाड़ी चला रहे थे। M4Z नाम की एक गाड़ी आती है, स्पोर्ट कार होती है, 2 सीटर, काफी स्पेस सेफ कार मानी जाती है हालांकि, लेकिन इनका एक्सीडेंट हो गया और इनकी उनका इसमें निधन हो गया, तो ये काफी दुखदायी बात है। कावेरी अ फीमेल हिप्पोपोटामस हैज बीन रिसेंटली ज्वाइन पिलकुला बायोलॉजिकल फार्म में, कावेरी नामक फीमेल हिप्पोपोटामस लाया गया है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है ये कहाँ पहले रह रही थी, और इनको बानरघट्टा नेशनल पार्क से लाया गया है जो कि कर्नाटका में ही है, और पिलकुला भी कर्नाटका में ही है। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, और ये करीब 10 साल की है, और इनकी जो हिप्पोपोटामस होते हैं इनका जो जीवन काल होता है वो 40 से 50 साल का होता है। तो अब इस पार्क में मेल और फीमेल दोनों हो गए हैं, और इसके सिवाय ये एक मेल टाइगर और टाइग्रेस भी लाने की सोच रहे हैं बानरघट्टा से। पहला ग्रीन कॉम्प्लेक्स राजस्थान में कहाँ पे बनाया गया है? तो ये जयपुर में आया है, और ये एक सरकारी बिल्डिंग है जिसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एनवायरमेंट ऑडिट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बेसिकली इसको 5 स्टार ग्रीन रेटिंग दी गई है। तो बेसिकली इसमें सभी कुछ ग्रीन रेटिंग के हिसाब से है इस बिल्डिंग में। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2006 के नॉर्म्स को फॉलो करती है, और ये भारत की पहली अपने किस्म की पहली इस किस्म की बिल्डिंग है। डेरेक वॉलकॉट का निधन हो गया, ये एक नोबल लॉरेट थे, इन्हें 1994 में नोबल प्राइज से पुरस्कृत किया गया था और इनको ये पुरस्कार मिला था लिटरेचर में। तो दोस्तों डेरेक वॉलकॉट साहब का निधन हो गया है, तो उनसे पूछा गया था कि इन्हें नोबल प्राइज किस फील्ड में मिला था? लिटरेचर में मिला था 1994 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ड्रोन बीम ये किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? ये अभी न्यूज़पेपर कटिंग डाली है मैंने यहाँ पे, तो ये IIT खड़गपुर ने डेवलप किया है सुपर पावर ड्रोन भीम, और ये भारत का पहला इंडिजीनियस सुपर पावर ड्रोन है, और इसका नाम भारत के एपिक वॉरियर भीम के नाम पे रखा गया है। ये सिर्फ 1 मीटर का लेंथ के अंडर है, 1 मीटर से भी छोटा है, और इसकी जो यूनिकनेस है वो इसके अनमैंड एरियल डिवाइस, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोटेक्शन शील्ड और सुपीरियर इमेजरी यानी कि अच्छी तस्वीरें खींचने में है। तो ये IIT खड़गपुर के छात्रों ने डेवलप कराया है इसे। हू हैज बीन स्वॉर्न एज न्यू CM ऑफ उत्तर प्रदेश, ये तो सभी जानते हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको भी नया CM बनाया गया उत्तर प्रदेश का, और इन्होंने अभी हाल ही में शपथ ग्रहण करी। नेचुरल सी केव ये कहाँ पे डिस्कवर करी गई है? तो 90 मीटर लंबी लॉन्ग सी केव मिली है, ये गोवा बीच पे मिली है, और ये लोलेम नामक बीच पे मिली है। तो ये बेसिकली नेचुरली फॉर्म केव से होती है,
मेटा बसाल्ट सॉल्ट्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स मतलब हजारों साल तक इन रॉक्स पे पानी पड़ता रहता है तो ये केव फॉर्मेशन हो जाती है। तो गोवा और लोलेम बीच दोनों ही इसके सही आंसर है और ये काफी बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनी हुई है आजकल ये केव। इनमें प्रॉपर्टी लॉ विल नॉट अप्लाई टू जिन्ना हाउस वाई, ये एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, मैंने इसकी क्लिपिंग डाली है तो अगर आपको मौका लगे तो ये कोशिश करके जरूर पढ़िएगा। तो इसमें ये पूछा गया है सवाल में कि इनमें प्रॉपर्टी लॉ जो कि बेसिकली अप्लाई करती है जो भी 1947 में जो भी लोग पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में ये लॉ है। तो इस लॉ में ये कहा जा रहा है कि जिन्ना जी का जो आइकॉनिक हाउस है मालाबार हिल्स में उसके मतलब क्या मतलब उस पर एनमी प्रॉपर्टी लॉ क्यों ये अप्लीकेबल है। उसका कारण यह है कि हालांकि जो जिन्ना के एयर्स हैं जो कि उनके वंशज हैं उनका इस पे वो क्लेम करते हैं कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका कहना यह है कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी बहुत पहले ले ली थी कंपनसेशन दे के, तो ये इस वजह से ये इसको एनमी प्रॉपर्टी लॉ के अंडर नहीं डाला गया है। सुनामी ये किस कंट्री में हो रही है दोस्तों? ये पाकिस्तान, माय गॉड, पाकिस्तान में हो रही है और इसमें करीब 1 बिलियन ट्रीज लगाने की बात हो रही है। तो ये खैबर पंटकुआ प्रोविंस है पाकिस्तान में जहाँ पे ये ट्री लगाई जा रही है और ये इमरान खान जी के द्वारा इसको बैकअप दिया जा रहा है। तो अब तक ये करीब 3/4 बिलियन ट्रीज लगा चुके हैं और इनका एम है कि फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना। और हम भारत में सोचते ही रहते हैं कि हमारा 33% फॉरेस्ट कवर कब होगा, तो देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी कर रहा है और हम लोग अभी सोच ही रहे हैं। मेधा ये ट्रेन नई चालू करी गई है, तो ये किन स्टेशनों के बीच में चालू करी गई? मेधा नामक ट्रेन और ये भारत में बनी हुई इंडिजीनियसली बनी हुई यानी इसके सब पुर्जे भारत में बनाए गए हैं इस ट्रेन के। तो ये शुरू करी गई दादर और बोरीवली के बीच में, बॉम्बे टू थाना पहली रेल सेवा चालू करी गई थी 1854 में। ये एक हिस्ट्री में आप सभी जानते होंगे कि 1854 में बॉम्बे टू थाने पहली रेल सेवा चालू करी गई थी और अब भारत में ही बनी हुई ट्रेन चालू करी गई है, मेरा नाम रखा गया इसका, और ये दादर से बोरीवली के बीच में रखी गई चली चालू हुई है। और इसकी जो स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आ रहा है और ये 6050 पैसेंजर ले जा सकती है। इसमें 1168 सीटें हैं और इसे बनाने की जो कीमत आई है वो करीब 43.23 करोड़ रुपए आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिफ्थ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ कमोडिटीज मार्केट ये किस शहर में चालू किया गया? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है फिफ्थ इंटरनेशनल कमोडिटीज, और इसमें जो किसान है उनका पार्टिसिपेशन दिया गया है। तो बेसिकली ये कमोडिटी पार्टिसिपेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित करी गई कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें जो भी कमोडिटीज हैं उनके बारे में ये कॉन्फ्रेंस थी। विच इंडियन पर्सनालिटी हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट मोबाइल ऐप ऑन ब्रेस्ट हेल्थ? तो ये फोटो से देख सकते हैं अमिताभ बच्चन साहब हैं, इन्होंने पहला लॉन्च किया है ये ऐप अपने किस्म का और इसको ABC ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ कहा जा रहा है। इसका नाम जो है एप्लीकेशन का ये करे iOS और एंड्रॉयड वर्जन दोनों में ही उपलब्ध है और फ्री है डाउनलोड करने के लिए और ये 12 भाषाओं में मिल रहा है, तो ये आप इसे 12 भाषाओं में देख सकते हैं। कौन से कंट्री है जिसने इंटरनेशनल डायमंड कॉन्फ्रेंस माइंस एंड मार्केट्स 2017 आयोजित करी? तो ये फोटो से हम देख सकते हैं मुंबई इंडिया में आयोजित करी गई 19 और 20 मार्च को, और तो इसका आंसर इंडिया है और इसके जो थीम थी वो माइंस टू मार्केट थी और इसमें सभी जो भी डायमंड इंडस्ट्री के दिग्गज हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो और इसका जो ऑर्गेनाइजेशन था वो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, तो थीम याद रखिएगा माइंस टू मार्केट है। 2018 ODI ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसका हमसे एम्बेसडर पूछे जा रहे हैं, तो ये शाहिद आफरीदी साहब हैं अम्बेसडर। और इस बार ये जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप है ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और पाकिस्तान में करा जाएगा, तो शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में ही हो रहा है ये।
कौन सा इंडियन डेलीगेशन 2017 का परमानेंट इंडस कमीशन को जो लीड कर रहे हैं, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। इंडियन डेलीगेशन के जो लीडर हैं उनका नाम पूछा जा रहा है और ये पीके सक्सेना साहब हैं। और भी ये बता दूं, ये जो मीटिंग होती है ये हर साल होती है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो कंडीशंस थी, टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उसमें ये था कि ये दोनों देश दो दो हर साल में एक दफ़े ज़रूर मिलें। तो उसी के मद्देनज़र ये कॉन्फ्रेंस हो रही है या मीटिंग हो रही है। और ये इंडस का जो 20% पानी है जो भारत को मिलता है और बाकी का पानी पाकिस्तान को मिलता है, उसी के विषय में ये मीटिंग होती है हर साल। Which Indian personality has become selected a newly formed United Nations group of anti-microbial resistance? तो ये आप फोटो से देख सकते हैं, स्वामीनाथन जी हैं ये, और ये डायरेक्टर हैं इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की, और इनको यूनियन नेशन का इंटेग्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का में सेलेक्ट कर लिया गया है। और ये काफ़ी, इन्होंने काफ़ी अवार्ड भी जीते हैं, काफ़ी नामी गिरामी डॉक्टर हैं, इनकी रिसर्च प्रोसेस पे काफ़ी मानी गई है। तो ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे ग्रुप है, इसको जो को चेयर करेंगे वो हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद और डायरेक्टर जनरल मार्गरेट चैन। कौन सा इंडियन स्प्रिंटर है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता 2017 एशियन 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में? तो ये इरफान कुलतुम थोड़ी हैं, और इन्होंने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है नोमी में, जो कि जापान में है, और ये नेशनल रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। तो इनको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला, और महिला उसमें जो हमारी महिला धावक थी प्रियंका, वो कोई भी मेडल जीतने में नाकामयाब रही। बियर कब्ज में स्पॉटेड एट विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दो बच्चे पैदा हुए हैं, और ये दोराजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसमें ये बच्चों ने जन्म लिया है। ये दोराजी स्लॉथ बियर कहा जाता है इसे, इस पर्टिकुलर वेराइटी को, और ये हम्पी के पास है जो दोराजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये एशिया की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है स्लॉथ बियर के लिए। तो ये करीब 82.5 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, और इसमें करीब 100 भालू हैं। कौन सी रिवर है जिसे लिविंग पर्सन का बोल बताया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने? तो गंगा और यमुना को लिविंग पर्सन का स्टेटस दे दिया गया है, और इससे पहले 15 मार्च को न्यूजीलैंड की वांगनुई रिवर है न्यूजीलैंड में, इसको दुनिया की पहली लीगल ह्यूमन स्टेटस का खिताब दिया गया है। तो ये डिविजनल बेंच जस्टिस आलोक सिंह और जस्टिस राजीव शर्मा की थी, तो इन्होंने TIL सुना और उसके अंतर्गत इन्होंने गंगा और यमुना को लिविंग स्टेटस का दे दिया, यानी अब ये इंसानों की श्रेणी में आ गई हैं। कोनी हिल्स ये इलीगल माइनिंग हो रही है यहाँ पर, और ये हमसे पूछा गया है ये कहाँ पे है? तो कोनी हिल्स वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट हम सभी जानते हैं बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है, तो और ये कोनी हिल्स में यहाँ पे जो इलीगल माइनिंग हो रही है इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो ये इस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे फॉलो अप नहीं हो रहा है। बेसिकली जो भी जबरदस्ती यहाँ पे माइनिंग करी जा रही है कोनी हिल्स पे, गदर मेला ये डोंकी फेयर होती है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कहाँ पे होती है? तो गदर मेला जो है ये बेसिकली शीतला देवी धाम कौशंबी में आयोजित किया जाता है, और ये कौशंबी हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर फॉर दिस। और इस मेले में जो जो गधे होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको खिलाया पिलाया जाता है, और उसके बाद इनको बेच दिया जाता है, और इसके सिवा यहाँ पे गधे घोड़े सभी बिकते हैं। कौन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जिसका एक्सटर्नल रिव्यू होना है? और ये आप फोटो से देख सकते हैं, बच्चा है, बच्चा पढ़ा रहा है बच्चों को, तो हम देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान है, और सर्व शिक्षा अभियान है जो ये जो है ये कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए
बनाई गई थी, तो इसके लिए अब एक थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कराया जा रहा है इसका, क्योंकि इसको लागू करे हुए 15-16 साल हो चुके हैं। जनवरी 2001 में लागू करी गई थी, तो और इसको राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर लागू किया गया था 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। और अब ये स्कीम को 15 साल हो गए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने डिसाइड कराया है कि भाई अब इसका वो होना चाहिए, ताकि देखा जाए स्कीम का कितना असर पड़ा। दुनिया की सबसे खुश नुमा जगह कौन सी है? हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। तो दुनिया की सबसे खुशनुमा जगह, यहाँ पे सभी लोग रहना चाहेंगे, तो हम सोचेंगे कि ये हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, लेकिन नहीं साहब, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, वो तो 14वें स्थान पे है। दुनिया की सबसे खुशनुमा जगह है नॉर्वे। तो नॉर्वे इज नंबर वन, एंड बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नॉर्वे में रहने का सुख अलग ही है। और भारत भाई साहब 122वें स्थान पे है, आपको बता दूं तो ये काफी दुख की बात है। और इस बार तो पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा खुश है, उसका 9 स्थान मिला है उसे 90। टॉप रैंक बॉलर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स पूछे गए हैं, तो ये रविंद्र जडेजा साहब हैं और ये सबसे आगे निकल गए हैं बॉलिंग में। तो इसके अलावा चेतेश्वर पुजारा जी हैं, इनको करियर का बेस्ट सेकंड रैंक मिली है इसमें। तो सबसे पहले नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा जी, उसके बाद हैं चेतेश्वर पुजारा जी, अश्विन रामचंद्र और दिनेश कार्तिक को कोई स्थान नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विच कंट्री इज होस्टिंग 18th एडिशन ऑफ एशियन लार्जेस्ट कन्वेंशन ऑन बिजनेस मीडिया एंटरटेनमेंट FICCI फ्रेम्स 2017, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये हम फोटो से देख सकते हैं, 21 और 23 मार्च के बीच में आयोजित किया जा रहा है, मुंबई में आयोजित करा जा रहा है, भारत देश में। तो आंसर इज इंडिया। और ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें सभी जो भी मीडिया से रिलेटेड अंग हैं, फिल्म्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, डिजिटल एंटरटेनमेंट है, एनिमेशन है, ये सभी आएंगे। और इसमें करीब 2000 भारतीय और 800 फॉरेन डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे। और इस साल की थीम है डिजिटल डिवाइड और डिविडेंड। तो डिजिटल डिवाइड और डिविडेंड इज द थीम। और इस बार इसका पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का कनाडा रहा है, तो कनाडा इज वन ऑफ द होस्टिंग पार्टनर्स। कौन सा इंडियन बैंक है जिसने मेरा आई मोबाइल रूरल कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया है? तो ये ICICI बैंक है। और ये जो इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये हिंदी में लॉन्च किया है। इसमें हालांकि इसमें 11 अलग अलग भाषाएं हैं, और इसमें जो भी किसानों से रिलेटेड स्कीम्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। बैंकिंग फैसिलिटीज जो हैं उनको सरल बनाया गया है। जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। तालुका वाइज जो भी वेदर अपडेट्स हैं वो दिए जाएंगे। और इसको करीब 300 शहरों में लागू किया जाएगा। तो ये किसानों के लिए ही बनाया गया है ICICI बैंक द्वारा मेरा आई मोबाइल ऐप। कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने 2017 ईडन वुमेन वर्ल्ड स्नूकरशिप में सिल्वर जीता? तो ये हैं विद्या पिल्लई जी, आप यहाँ देख सकते हैं कंसंट्रेट करती हुई। और ये ईडन वर्ल्ड वुमेन स्नूकर चैंपियनशिप आयोजित करी गई थी हाल ही में। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये सिंगापुर में आयोजित करी गई थी, और इसमें नेगोनी ने हांगकॉन्ग की जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो अपनी विजय विद्या पिल्लई को सिल्वर मिला है इसमें। कौन से इंडियन अमेरिकन पर्सनालिटी है जिन्हें नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF करियर अवार्ड 2017 से नवाजित किया गया है? और ये अंशु मलि श्रीवास्तव साहब, आप यहाँ देख सकते हैं, ये राइस यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में ह्यूस्टन में। और इनको ये अवार्ड दिया गया है इनकी करंट मशीन लर्निंग प्रोसेस में करी गई रिसर्च के कारण। तो ये अंशु मलि श्रीवास्तव साहब हैं, नेशनल साइंस फाउंडेशन करियर अवार्ड मिला इन्हें। तीनों मदई मोदी ने एक पोएट थे, कविताकार थे, और इनका निधन हो गया है। तो ये किस लैंग्वेज के पोएट थे? तो इनके बारे में बता दूं, ये 78 साल के थे और ये गुजराती में लिखा करते थे।
और इन्होंने करीब 50 किताबें लिखी पोएट्री ड्रामा नॉवेल स्टोरीज पे, और इन्होंने स्क्रिप्ट राइटर का भी काम किया है इसरो के लिए 1975-77 में। तो और इनकी आखिरी इच्छा के अनुसार इनकी जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, उसको मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे दिया गया है ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। व्हाट इज द थीम ऑफ 2017 इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की थीम पूछी जा रही है, मार्च 21 को मनाया जाता है हर साल, और ये अवेयरनेस रेस करने के लिए बनाया जाता है फॉरेस्ट और ट्रीज जो कि फॉरेस्ट के बाहर उग रहे हैं उनके लिए। तो इस बार की थी फॉरेस्ट एंड एनर्जी, ये थीम रही इस बार। और बेसिकली जो इसकी इम्पोर्टेंस थी वो थी कि लकड़ी से जो मिलने वाली ऊर्जा है उसको लोगों की जिंदगी को किस तरीके से बदलने के काम लाया जा सकता है सस्टेनेबल मैनर में। कौन सी क्रिकेट टीम है जिसने 2017 विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है? तो ये तमिलनाडु की टीम है, सॉरी गाइस, तमिलनाडु ने ये जीत लिया है, और ये इन्होंने बंगाल को हरा के ट्रॉफी जीती, विजय हजारे ट्रॉफी। इंडिया की क्या रैंक है 2017 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, 122 रैंक है। पाकिस्तान सार्क देशों में ही हमारी सबसे खराब रैंकिंग रही। बेसिकली पाकिस्तान की रैंकिंग थी 90, और नेपाल की 99, भूटान की 97, बांग्लादेश की 110 और श्रीलंका 120 पे रहा। तो सबसे ऊपर थे नॉर्वे। और बेसिकली 122वें स्थान पे हम सोच सकते हैं कि हम कितने नाखुश हैं जिंदगी से। 2017 ब्लूमबर्ग ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स, तो ये किस कंट्री ने सबसे ऊपर रही है? तो आइए देखते हैं। तो ये इसमें इटली सबसे ऊपर रहा है, भारत का कोई स्थान नहीं है। तो इटली इज द हेल्दीएस्ट कंट्री, और यहाँ पे जो लोग हैं वो 80-85 साल तक जिंदा रहते हैं जनरली। वोडाफोन और आइडिया के टेलीकॉम मर्जर हो गया था, इसके बारे में मैंने बताया। तो इनका कुल मिलाकर कितने लोग सब्सक्राइबर हो जाएंगे एक बार ये मर्जर हो जाएगा? तो ये 894 मिलियन लोग हो जाएंगे, जो कि एयरटेल दुनिया के दूसरे नंबर पे विश्व के सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बेस हो जाएगा इनके पास 894 मिलियन का, जो कि ऑलमोस्ट 1 बिलियन है, 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगी वर्ल्ड की ऑलमोस्ट वोडाफोन और आइडिया के पास मिलाकर। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। 195 किलोमीटर लॉन्ग सुपर हाईवे, ये कहाँ बन रहा है? तो ये किन शहरों के बीच में है? ये गुड़गांव और जयपुर से के बीच में बन रहा है, और एक खेखरी डोला टोल प्लाजा से चालू किया जाएगा। इसके बारे में ये न्यूज थी कि आईजीआई पे इससे पहले बनाने की बात थी, लेकिन इसे वहां से नहीं बना के खेकरी दौला टोल प्लाजा से बनाया जाएगा 195 किलोमीटर का, और इसमें 6 लेन होंगी। जिमी ब्रेसलिन, ये अभी इनका हाल ही में निधन हो गया था, अमेरिकन है ये जिमी ब्रेसलिन साहब। और ये पूछा जा रहा है कि ये किस क्षेत्र में कार्यरत थे? तो ये एक जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने काफी काम करा है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। टॉयस अवार्ड, ये किस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है पीवी सांधु, इसके अलावा टेनिस में सानिया मिर्जा, और चेस में हरिका द्रोणावली, और जिमनास्टिक्स में दीपा कर्माकर, इन सबका नाम उल्लेख में आया, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया पीवी सिंधु को। प्रीमियर स्कीम हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी टू डिस्करेज बेगरी, ये कोझीकोड में अभी हाल ही में चालू करी गई है। तो कोझीकोड में एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये वहां पे शुरुआत करी गई इसकी बेसिकली कोडोवली नामक म्यूनिसपैलिटी में। और ये यहाँ पे इनको बेसिकली चूंकि इन्होंने बेगरी पे यानी भीख मांगने पे रोक लगा दी है, तो जो भी भिखारी हैं उनको ये अब फ्री में खाना खिलाएंगे, फ्री में स्कीम चालू करी गई है उनके लिए। पाकिस्तान की पहली महिला सेक्रेटरी जिन्होंने अभी चार्ज लिया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, तो ये अभी पहले भी कुछ में 1-2 महीने पहले भी न्यूज में रही थी, और इनका नाम है तहमीना
जंजुआ ये पाकिस्तान की पहली वुमेन सेक्रेटरी भी हैं। वो हैज बीन अपॉइंटेड फुल टाइम इंटरिम डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सोलर अलायंस के नए डायरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है इंटरिम डायरेक्टर जनरल का, और ये हैं उपेंद्र त्रिपाठी जी। और उपेंद्र त्रिपाठी जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सी जानकारी दे दूं कि इससे पहले ये इनको ये एक IAS ऑफिसर हैं कर्नाटका काडर के, और जो ISA का हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ये गुड़गांव में स्थापित किया गया है, और ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की बिल्डिंग में ही है। 2017 स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स ये कहाँ पे आयोजित करे जा रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रिया 2017 में आयोजित करे जाएंगे, और इसकी जो थीम है वो हार्ट बीट फॉर द वर्ल्ड है। और ये स्पेशल ओलंपिक्स हैं, बेसिकली पैरालंपिक्स के लिए आयोजित करे जाते हैं, और ये मार्च 14 से मार्च 25 तक आयोजित करे जाएंगे। 2600 एथलीट लेंगे 105 देशों से, और भारत से 89 एथलीट्स का एक दल जा रहा है जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा, और इंडिया ने अब तक 18 मेडल इसमें जीत चुके हैं ये लोग, तो ये काफ़ी गर्व की बात है। हालांकि इसके कहीं न्यूज़ में नहीं आता है, ऑस्ट्रिया में हो रहे हैं ये। CFO अपॉइंट हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, और ये हैं अंकुर खन्ना साहब। और यहाँ के CFO बनने से पहले अंकुर खन्ना साहब एयर एशिया इंडिया के CFO थे, तो ये एक बदलाव हुआ है, क्रिकेट काउंसिल के बना दिए गए हैं अभी ये। 23वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑडिटर जनरल कॉमनवेल्थ कंट्रीज एंड ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज, तो ये हमसे पूछा जा रहा है ये कहाँ पे आयोजित करी जा रही है, इंडिया में आयोजित करी जा रही है, और अरुण जेटली साहब इसको इसका इसमें एक भाषण भी देने वाले हैं, तो इसमें करीब 52 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हिस्सा लेंगी और 9 ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज हिस्सा लेंगी, 21 से 23 मार्च तक आयोजित करी गई। और जो इस थीम कॉन्फ्रेंस की थीम थी वो थी फॉस्टरिंग पार्टनरशिप्स फॉर कैपेसिटी डेवलपमेंट इन पब्लिक ऑडिट, और ये पहली बार है कि ये कॉन्फ्रेंस इंडिया में आयोजित करी गई, और ये 2014 में माल्टा में आयोजित करी गई थी, इससे पहले तो यह 2 साल बाद होती है हर 2 साल बाद। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने 5वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया गया, तो ये तवांग में आयोजित किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, और ये 23 से 31 मार्च तक आयोजित करा जाएगा, और इसको आयोजित कराया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। दोस्तों मैं समझता हूँ कि फोटोज देख के काफी आइडिया पड़ जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और याद भी रहती हैं फोटोज जनरली, तो मैं इसीलिए फोटोज डाल देता हूँ। अगर मैं इतनी तेजी से आपको सिर्फ बताऊँ तो आप सिर्फ कभी भी याद नहीं रहेगा। अगर मैं आपसे अभी ये पूछूं कि भाई CFO किसे बनाया गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, तो आपको फोटो से याद आ जाएगा कि वो अंकुर खन्ना साहब थे। या मैं अगर आपसे पूछूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंकिंग, तो आपको याद आ जाएगी वो फोटो 2017 की, और उसमें 4 लोग बने हुए हैं, और आपको सडनली ये याद आ जाएगा कि मैंने आपको बताया था 122 रैंक है इंडिया की। तो आप सोचिए कि मतलब कितनी तेजी से ये चीज याद हो जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं पहला सवाल कि कृषि उन्नति मेला कहाँ पे आयोजित करा जा रहा है, तो आपको याद आ जाएगा एकदम फोटो से कि वो दिल्ली में आयोजित करा गया। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो जाता है याद करना। स्लीप वॉकर्स ड्रीम देव ज्योति बरुआ, फोटो याद है तो। और सवाल पूछते हैं, चलिए देखते हैं। साहित्य संगम मेला कहाँ आयोजित कराया जा रहा है, तो आपको याद आएगा मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी, हिंदी में लिखी हुई थी, उर्दू संस्कृत एक्सेट्रा एक्सेट्रा पंचकुला। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से ये याद होता चला जाता है जब हम फोटोज के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट मुझे तो याद हो जाता है, अगर आप भी 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको भी ये याद हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या था। मैगी मैकडोनल्ड लेन को 2017 ग्लोबल टीचर प्राइज दिया गया है, तो ये किस देश को बिलोंग करती हैं, ये है मैगी मैकडोनल्ड जी, और इन्हें अभी हाल ही में UAE में ये अवार्ड दिया गया, और ये बेसिकली कनाडा को बिलोंग करती हैं। बेसिकली जो स्नो लाइन है कनाडा की, कनाडियन आर्कटिक
वहाँ पे जो बच्चे हैं उनमें सुसाइड रेट काफ़ी बड़ा हुआ था, तो ये उन्होंने उनके साथ काम किया और इनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ का अवार्ड दिया गया है यूएई में। तो ये कनाडा को बिलोंग करती हैं। डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट बन गया है? और ये मजोली गांव है, बेसिकली फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट असम में। तो इट हैज बिकम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल डिस्ट्रिक्ट इन असम एज वेल एज इंडिया। वर्ल्ड पोएट्री डे ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड पोएट्री डे किस दिन आयोजित किया गया, ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड पोएट्री डे जो है ये 21 मार्च को ऑब्जर्व किया जा सकता है, फोटो से हम देख सकते हैं। और बेसिकली इस दिन जो भी कविताएं हैं उनके बारे में ये दिन है। तो इस दिन को बेसिकली लिखने पढ़ने पब्लिश करने के लिए और पढ़ाने के लिए पोएट्री को थ्रू आउट द वर्ल्ड ये डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पोएट्री डे 21 मार्च। नए चीफ जस्टिस केरला हाई कोर्ट के किन्हें बना लिया गया है? तो ये है हमारे नवनीति प्रसाद सिंह साहब, और इनको आप देख सकते हैं, इनकी ये फोटो है। और इन्होंने टीबी राधा कृष्ण साहब से ये चार्ज संभाला है। टीबी राधा कृष्ण साहब के बाद अब नए केरला के चीफ जस्टिस बन गए हैं नवनीति प्रसाद सिंह। 2017 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत रहा 131वें स्थान पर। और ये 188 देशों में से ये रैंकिंग निकाली जाती है। ये बेसिकली 2015 के डेटा पे बेस्ड होती है। तो बेसिक 2017 की जो रैंकिंग होगी वो 2015 के उस पे बेस्ड होती है। और इसमें जो बेसिकली पॉवर्टी इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पे जैसे क्षेत्रों को मद्देनजर रख के ये रिपोर्ट निकाली जाती है यूएनडीपी द्वारा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2017 भारत की रैंकिंग थी 131, और ये यूएनडीपी निकालती है रैंकिंग। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने एमओयू साइन किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सब्सिडाइज लोन फॉर एम्प्लॉयज? तो ये असम की गवर्नमेंट ने साइन कराया, और ये इसमें सब्सिडी देंगे एजुकेशनल लोन और हाउसिंग लोन पे। हाउसिंग लोन पे 3.5% की सब्सिडी दी जाएगी और 4% की एजुकेशनल लोन पे। और जो हाउसिंग लोन की हाई वैल्यू रखी गई है वो है 15 लाख रुपए, और एजुकेशन लोन की 10 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए पे 3.5% की सब्सिडी मिलेगी और 10 लाख रुपए पे 4% की सब्सिडी। और इसके सिवाय इन्होंने रिपेमेंट ऑफ लोन्स को भी लंबे समय तक के लिए बढ़ाने की बात कही है। तो ये इन्होंने अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक नई स्कीम लाए हैं ये लोग असम की सरकार। 2017 एबल प्राइज ये किन्हें मिला है? तो ये यवस मेयर नामक व्यक्ति हैं, और इन्होंने का जो योगदान है वो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, और इनको 6 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन का अवार्ड दिया गया है जो कि 6 लाख पाउंड के बराबर होते हैं। तो इनको ये नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, ये यवस मेयर्स को मैथ्स में। और बेसिकली इन्होंने जो थ्योरी निकाली है मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ वेवलेट्स के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा इंडियन शूटर है जिसे गोल्ड मेडल मिला है डबल मेंस ट्रैप इवेंट में? तो शूटिंग में इन्हें ये अवार्ड दिया गया है 2017 इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप इन मैक्सिको में। तो ये अवार्ड मिला है अंकुर मित्तल को। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं, अंकुर मित्तल ने जेम्स विलेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया और इनको सिल्वर मेडल भी मिला था वर्ल्ड मेंस डबल ट्रैप ISSF वर्ल्ड कप में जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2017 इंडियन सोर्सिंग फेयर ये कहाँ किस शहर देश में हो रही है? तो ये इसका आप देख सकते हैं, ये श्रीलंका में हो रही है, 24 से 26 मार्च के बीच में होगी, बिमेक कोलंबो श्रीलंका में। और बेसिकली इसमें जो भी भारत देश की चीजें हैं जैसे वाहन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स
एक्सेसरीज, खाना पीना, ब्रेकरी, होटल इक्विपमेंट, पैकेजिंग, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, सभी चीज़ों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों से रिलेटेड चीज़ें इसमें दर्शाई जाएंगी इंडियन सोर्सिंग फेयर 2017 में, जो कि श्रीलंका में आयोजित करी जा रही है। थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पूछी जा रही है, तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम हमसे पूछी जा रही है और ये यूनाइट टू एंड टीबी। तो आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में यूनाइट टू एंड टीबी का स्लोगन भी है। और बेसिकली जो टीबी है इसके बारे इसका जो वर्ल्ड टीबी डे है ये 24 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी मैंने यहाँ लिया है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अल्टरनेट फ्यूल्स एंड रॉ मटेरियल्स इन सीमेंट इंडस्ट्री, ये किसका देश में स्टार्ट हुई है, तो देश छोड़िए क्राउन प्लाजा टुडे और न्यू ओखला दिल्ली में स्टार्ट हुई है ये, और ये इंडिया में स्टार्ट हुई है, तो इंडिया इज द राइट आंसर। और इसकी जो थीम है टुवर्ड्स रियलाइजिंग स्वच्छ भारत ड्रीम 23 से 24 मार्च। और बेसिकली ये दो दिन की जो कॉन्फ्रेंस है इसमें टेक्निकल, रेगुलेटरी और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस दिए जाएंगे अल्टरनेट फ्यूल्स और रॉ मटेरियल यूसेज इन सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस है। राष्ट्रीय व्योश्री योजना ये किस स्टेट में लॉन्च करी गई है, तो ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च करी गई है, और इसके चलते जो भी सीनियर सिटीजन्स हैं बेसिकली उनको अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जो उनके मतलब हेल्थ, जैसे उनको जो भी इक्विपमेंट देना है हेल्थ रिलेटेड इक्विपमेंट, जैसे छड़ियाँ वगैरह वगैरह इस किस्म की चीज़ें, तो ये एल्मिको जो कि सोल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आर्टिफिशियल लिम मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन भी कहा जाता है इसे, तो ये एक साल के लिए फ्री मेंटेनेंस लेंगे लिविंग डिवाइसेस के लिए। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है और बेसिकली बिलो पॉवर्टी लेवल कैटेगरी के लिए लॉन्च करी गई है आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश की सड़कों को ठीक करने के लिए कितने मिलियन डॉलर का लोन लिया है, तो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। तो फाइटिंग पॉवर्टी इन एशिया इन द पैसिफिक, 22 अगस्त 1966 में इसका गठन हुआ था, इसका मेन फोकस क्रेडिटिंग है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है, वर्ल्ड बैंक का हमें याद है कि हेडक्वार्टर था वाशिंगटन डीसी में, और इसके 67 मेंबर्स हैं, उसके 188 मेंबर्स हैं वाशिंगटन डीसी वर्ल्ड बैंक के, और उसका गठन हुआ था 1944 में। तो अगर आपको अभी ध्यान हो, अभी थोड़ी देर पहले हमने फोटो देखी थी, तो अभी हमें सब चीज़ें याद है वहाँ से, और इनके जो प्रेसिडेंट है वो तकहीको नकाओ है, और इनको जो लोन दिया है इन्होंने 3.5 मिलियन डॉलर का लोन दिया है। तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश में जो भी सड़कें हैं 1600 किलोमीटर की उनको ठीक करने के कार्यक्रम में इस्तेमाल करी जाएंगी, तो ये अपनी किस्म का पहला लोन है भारत सरकार ने जो लिया है सड़कें ठीक करने के लिए। कीपिंग अ ज्वेल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश बिट्रेयल ऑफ इंडिया, तो ये किताब है और ये ब्रिटिश बिट्रेयल ऑफ इंडिया के बारे में लिखी गई है। बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि आखिरी 30 साल में ब्रिटिश आसानी से देश छोड़ने को तैयार नहीं थे और उन्होंने क्या क्या किया, तो जो भी हिस्ट्री बुक्स हैं उनको इसमें नकारा गया है, और ये वॉल्टर रीड साहब ने लिखी है किताब। तो बेसिकली ये अंडरमाइन करती है, मतलब ये जो आइडिया है कि भारत छोड़ते वक्त ब्रिटिश काफ़ी ऑनरेबली तरीके से गए थे, ये एक गलत धारणा है, तो इस किताब में ये बताया गया है। तो ये वॉल्टर रीड साहब की किताब है, मौका लगे पढ़िएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये 6 नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स में दिया गया है, और ये रघु राय साहब को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो नाम याद रखिएगा रघु राय साहब हैं ये, और ये काफ़ी वेटरन फोटो जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने किताब भी लिखी है रघु राय इंडिया रिफ्लेक्शन इन कलर एंड रिफ्लेक्शन इन ब्लैक एंड वाइट, तो ये काफ़ी नामी ग्रामी किताब रही है इनकी, फोटो बुक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड 2017, तो ये हमारे रविश कुमार साहब हैं, इनको दे दिया गया है ये,
और इन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट मारी थी कि बैंस से, जो उत्तर प्रदेश में भैंस के मांस पे बैन लगाया गया, उससे सरकार को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि इनको ये नहीं मालूम कि ये सब इलीगल कत्ल खानों पे बैन लगाया गया है, तो रविश कुमार जी की नॉलेज को देखते हुए इनको एक बड़ा अवार्ड दे दिया गया है। एंकर बन गया आज का सबसे बड़ा गुंडा। और चलिए आगे देखते हैं। इंडिया रैंक इन ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस, ये पूछी गई है हमसे 2017 में, तो सबसे ऊपर इसमें सिंगापुर रहा है। और एज यूजुअल पहले 21 स्थानों पे भारत का कोई स्थान नहीं है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, इस तरीके से रैंकिंग रही है इसकी। तो इंडिया की रैंक इसमें 87th रही है। और बेसिकली ये जो पर्टिकुलर रैंकिंग है, ये ग्लोबल एनर्जी डेटा है, पॉलिसी फॉर्मेशन इत्यादि जैसे विषयों पे रिसर्च करके ये रैंक निकालती है, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस रैंक। और भारत वाज, इंडिया वाज 87th। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस रिड्रेसल MOPNG ई सेवा, तो फोटोस हम याद रख सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इन्होंने स्टार्ट करी है। और बेसिकली जो भी गैस संबंधी दिक्कतें हैं, उसके जो ग्रीवियंस है, उसके लिए ये एक वेबसाइट चालू करी है, प्लेटफॉर्म है, और इसमें 24/7 लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाएगी। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, किताब से आपको याद आएगा। हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ रिसर्च ऑफ वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, ये किताब है, सर्वे रिपोर्ट है, तो ये मिश्रा जी और दत्ता और मधुसूदन साहब ने लिखी है, तो इस कारण से ये अभी न्यूज में भी रही है। केन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश, याद रखने वाली बात है। वर्ल्ड बैंक ने साइंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट अग्रीमेंट, तो उत्तराखंड के साथ वर्ल्ड बैंक का एक और करार हो गया है, तो हेल्थ केयर की सर्विसेज के लिए इन्होंने ये करार कराया। और इसमें उत्तराखंड सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर से मिलके उत्तराखंड में अब हेल्थ केयर का सुधार करेगी, तो इनको $100 मिलियन का लोन दिया गया है। और बेसिकली जो भी उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनमें क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर का सुधार करने के लिए इसको बनाया गया, तो इसमें प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को भी इन्वॉल्व करा जाएगा। अशोक मित्रा ने, इनका हाल ही में निधन हो गया था, तो ये पूछा जा रहा है ये किस लैंग्वेज के ऑथर थे, तो इनके बारे में बता दूं कि इनको अपाविन स्नेहगथराल नामक किताब के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था 1996 में, और ये तमिल के लेखक थे, और इन्होंने करीब 200 छोटी कहानियां और 15 नॉवेल भी लिखे हैं, तो काफी जाने माने लेखक थे। और इनका जो काम है उसे हिंदी, मलयालम, तेलुगु और बाकी भाषाओं में भी ट्रांसलेट करा गया। थीम ऑफ 2017 वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, तो इसकी थीम रही इस बार अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे की, और ये 23 मार्च को मनाया जाता है। और बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो क्लाउड होते हैं ये वेदर ऑब्जर्वेशन में क्रिटिकल रोल करते हैं, और जो भी वाटर साइकिल होती है उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो ये उस बारे में थीम थी इस बार अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स। विच हाई लेवल कमेटी हैज बीन फॉर्म टू एग्जामिन वर्किंग ऑफ सेंट्रल, तो ये एक कमेटी बनाई गई है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी के की वर्किंग को एग्जामिन करने के लिए, और ये और किसी की नहीं बल्कि अनवे पनागरिया साहब की कमेटी है। और अनवे पनागरिया साहब आप सभी जानते हैं, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज RPM मिस्टर नरेंद्र मोदी। स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ फ्री वाईफाई फैसिलिटीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो फ्री वाईफाई देने का प्रोग्राम बनाया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि बच्चे पिछड़े ना रह जाएं, उनको
देश विदेश की जानकारी भी दी जाए। खैर फ्री वाईफाई के मैं समझता हूँ, मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन है, स्कूल कॉलेजों में फ्री वाईफाई देने का मतलब है उसका दुरुपयोग होना। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन है और सभी के पास इंटरनेट है, और वो तो फ्री वाईफाई का कोई मतलब बनता नहीं है वैसे। चलिए एनीवे, बिहार सरकार ने डिसाइड करा है फ्री वाईफाई देने का, और ये बिहार दिवस पे देने का इन्होंने घोषणा करी। और बिहार दिवस बेसिकली मार्च 22 को मनाया जाता है, क्योंकि 1912 में बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग कर दिया गया था। तो मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज बिहार दिवस, एंड ऑन दिस ऑस्पिशियस डे बिहार गवर्नमेंट हैज गिवन फ्री वाईफाई टू ऑल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। अंग्रेजी में बोल रहा हूँ मैं, खैर हिंदी में था तो हिंदी में कहने वाली बात यह है कि फ्री वाईफाई दिया जा रहा है बिहार दिवस पे बिहार के नौजवानों को। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन समाप्ति की ओर आ गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मैं करीब हमने इसमें सेशन में 100 क्वेश्चन कवर करे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फोटो के द्वारा ये याद रखने थोड़े आसान रहते हैं, मुझे तो कम से कम याद रहते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। और अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हम सब मिलकर एक कॉमन गोल जो कि UPSC है उसकी तरफ बढ़ सकें। धन्यवाद और जय हिंद।